हेलो, कितना महीने की है ये? सर है कुछ 15 महीने की। हेलो, क्या नाम है इसका? प्लस एज वेल एज शो क्वालिटी और पेट क्वालिटी के डिफरेंशिएट करने वाला हूँ। दोस्तों, आपके सामने जो पप्स है, ये मेरा छोटू मियाँ। अगर हम बात करते हैं तो ये एक सिंगल कोट या शॉर्ट कोट का पपी है, प्लस एक आम पेट क्वालिटी का पपी है। तो सी जो पपी है, ये एक डबल कोट का जर्मन शेफर्ड है। तो ये एक डबल कोट जर्मन शेफर्ड है। इनके बारे में फीचर्स एंड खास बात आपको बता चुका हूँ। और सबसे खास जो आज हमारा स्पेशल है, वो है हमारे स्पेशल एडिशन में ये लॉन्ग कोट। ये एक लॉन्ग कोट जर्मन शेफर्ड। दोस्तों, सिंगल या मीडियम कोट, सिंगल कोट, डबल कोट और एक लॉन्ग कोट का पपीज़ है। तो दोस्तों, इन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आपको बताने वाला हूँ क्या तरीका है पहचाने का, क्या हिसाब किताब है इनका, क्या रेट में अवेलेबल है मार्केट में, वो सभी कुछ डिपेंड करने वाला हूँ आपको। सो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं क्वालिटी के बारे में या कि एक घर पर पेट क्वालिटी शो क्वालिटी क्या है, तो दोस्तों ये एक घर पर एक आम क्वालिटी पेट क्वालिटी है। घर पर रखने के लिए एक अच्छा लैब्राडोर है, बट शो क्वालिटी लेवल के नहीं कह सकते। अगर शो क्वालिटी जर्मन शेफर्ड की बात करते हैं तो दोस्तों ये रहा आपके सामने। इनके प्राइस इससे कम 4-5 गुना 5-10 गुना ज़्यादा होता है। क्या प्राइस है उस वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ आपको मैं। आप क्वालिटी आप देखिए, क्वालिटी में कितना फ़र्क है दोस्तों इसकी। आप मैं क्या, आप देखते रहो, आप खुद आपस में देखते रहो। ये मीडियम कोट, लॉन्ग कोट, डबल कोट, क्या फ़र्क है आप खुद देखते रहो। मैं अगर मैं बोलूँगा तो आप समझ में आ जाएगा, मैं लास्ट में बोलूँगा, पहले आप देखते रहो, ठीक है ना। आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए जी, बोन से बात करते हैं, हैवी बोन और वो बोन, ये देखो दिख रहा है इस बेचारे का, इसका तीन पोज, मतलब ये तीन हड्डी इसके एक के बराबर है। ये होता है बोन से, होता है बोन से हैवी है, तो मुंह से बोनलेस हैवी नहीं होता दोस्तों। इसका बेचारे का ये देखो अंगूठे, बहुत काटू है। ये भी बहुत खास नहीं है। जितने दोस्तों आप लो क्वालिटी का पप्स लेंगे ना, उतना उनका टेम्परमेंट वगैरह अजीब सा होगा। क्योंकि अगर शो क्वालिटी के बाद शो क्वालिटी पप्स का टेम्परमेंट, एडिगेट्स, तमीज़ वो बहुत ज़्यादा होता है। बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, फटाफट कमांड सीखते हैं। आपने देखा होगा डॉग शो में इतने सारे रॉटवीलर जर्मन शेफर्ड होते हैं, वो कभी एक दूसरे को अटैक वगैरह नहीं करते। वहीं पर अगर हम एक पेट क्वालिटी का रॉटवीलर जर्मन शेफर्ड अलग अलग ब्रीड्स को छोड़ दो, तो आपस में लड़ लड़ के एक दूसरे को वहीं पे भौंक भौंक के परेशान। बट आपने देखा होगा डॉग शो वगैरह में वो शान और एटीट्यूड से आते हैं, चाहे तिब्बतन मैस्टिफ हो, अलग से अलग ब्रीड हो, एक दूसरे से एटीट्यूड मिलते हैं। वो कभी आपस में लड़ते झगड़ते देखे बार्क नहीं करते, काटते नहीं, ज़्यादातर मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है। हाँ, कभी कभार वो लड़ जाए जब वो बात की बात है, बट मैक्सिमम केसेस में ऐसा वो नहीं करते, उनका टेम्परमेंट नेचर वगैरह अलग होता है। अगर ये हम बात करते हैं, आपने देखा होगा ये देखो ये चार्टर है, ये चार्टर ये प्यार कर रहा है। और ये अगर इसकी बात करते हैं, अगर हम जो पेट क्वालिटी नॉर्मल जिसके अंदर ब्लड लाइन का नहीं पता इनके, ये कह रही देखो ये काट रहा है, ये देखो काट रहा है, ये काट रहा है और ये चार्टर है। क्यों?
इसके तमीज में एडिकेट्स ब्लड लाइन एकदम क्लब ब्लड लाइन जर्मनी इम्पोर्ट ये इम्पोर्ट या ब्लड लाइन चैंपियन है। तो ब्लड लाइन में क्या होता है चैंपियन के चैंपियन डॉग्स कौन बैठते हैं मदर फादर चैंपियन मतलब उसके फादर बहुत एडिकेट्स में एटीट्यूड है उनका चलने का एटीट्यूड है उनका बॉडी साइज एटीट्यूड है टेम्परमेंट नेचर अगर ये अग्रेसिव डॉग होंगे तो वो डॉग शो वगैरह के लिए वैलिड नहीं उनको राउंड से बाहर निकाल देते हैं। तो नेचर वगैरह वाइज बहुत डिपेंड करता है और आपने देखा है इनका नेचर कैसा है और वहाँ नेचर कैसा है। दोस्तों मैं कहता हूँ सभी को प्यार करो ये सब प्यार करने के लिए बट हमें कुछ देखो मैं फर्स्ट इनको आपको डिफ्रेंशिएट करना कि क्या कब कैसे लेना चाहिए ठीक है। तो हमारे पैसे सही जगह लगने चाहिए। अब ये देखो आप इसका हेड साइज़ और इसका हेड साइज़ कल क्या बनेगा कल ये बहुत लंबा चौड़ा एक जर्मन शेफर्ड बनेगा और ये एक मीडियम हाइट का एवरेज हाइट का जर्मन शेफर्ड बनेगा। दोस्तों है दोनों प्योर बट क्वालिटी के पैसे और क्वालिटी में फ़र्क है ठीक है ना। आप चेकआउट कर सकते हो इनके हेड साइज बोन साइज ग्रोथ और जबकि दोस्तों कई फिर बेवकूफ और गधे लोग ये कमेंट भी करने वाले कि भैया एज इनका एज अलग अलग है तो चलो इस बार हम एज दिखा देते हैं। बेटा दांत चेक करना है ये देखो आप चेक करो ये 35 से लेके 38 डेज के पपी है और ये देखिए ये भी 35 तो एज वाइज ये एक दो दिन इससे छोटे ही होगा पर ग्रोथ वाइज इससे कम से कम 2.5 से 3 गुना ज़्यादा है ठीक है। दोस्तों एज वाइज कई अगर लोग ये भी कहने वाले कि भाई वो एज में कम है इसलिए नहीं ये एज में इन दोनों के बराबर का है ताकि तुलना दोनों के बराबर होनी चाहिए कंपैरिजन बराबर होना चाहिए तो एज में दोनों ही बराबर के हैं बट क्वालिटी में फ़र्क है ठीक है ना। अगर इसको हम कितना भी रॉयल कैनल कई लोग कहते हैं डाइट का फ़र्क है इसको आप तेल घी में डुबो दो रॉयल कैनल में डुबो दो फिर भी इसका बोन साइज इस क्वालिटी का नहीं बनेगा क्योंकि ये जो है ये माँ बाप पे भी डिपेंड करते हैं कि फादर मदर कैसे है पहलवान के बच्चे पहलवान बनेगा ना जी। तो कई लोग कहते हैं डाइट दो तो डाइट देने से बच्चा मोटा हो बन जाएगा बट मुझे तो लगता नहीं कि भाई आप इसको अब इस बेचारे को चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं इसको हम एक महीना अगर हफ्ता 10 दिन मैं ना रॉयल कैनल रखूँगा फिर भी इसका बोन साइज इसके बराबर नहीं हो पाएगा। अब कई लोग कहने वाले कि उसके पैर पे वाइट निशान है तो उनको हल्का फुल्का अगर पॉज में वगैरह में हल्का फुल्का निशान आजकल जर्मन शेफर्ड में आ रहा है वो चल रहा है कोई बड़ी बात नहीं है आप शो लाइन की पब्स देख लो उसमें भी कई में हल्का फुल्का वो वाइट स्पॉट्स आ रहा है इसमें कोई घबराने की बात नहीं है ठीक है ना। ये देखो हेयर साइज कितने कम से कम 2 से 2.5 इंच इसके हेयर साइज है इसके कम से कम इसके इतने ठीक है ना 1 इंच का और इसका 1 इंच 2 इंच और 3 इंच इनके हेड साइज का फ़र्क है। और हम बात करते हैं प्राइस का प्राइस के मामले में दोस्तों ये जो फीमेल है 4 से 5 हज़ार की फीमेल आराम से आ जाती है 5000 की फीमेल आराम से आ जाती है। इन फीमेल की बात करते हैं डबल कोट की तो ये 12 हज़ार की फीमेल आराम से आती है 12 हज़ार का 5 हज़ार का और ये जो पप्पी है दोस्तों ये 20 हज़ार की है। ये जो फीमेल फुल लॉन्ग कोट फीमेल है फीमेल दोस्तों ये फीमेल के प्राइस बता रहा हूँ लड़की के प्राइस बता रहा हूँ अगर आप फ़ोन करके मत बोलना कि भैया आपने लड़के का प्राइस बताया था लड़के का प्राइस 5-5 हज़ार पे ऐड कर लो ठीक है ना। तो फीमेल जो कॉस्टिंग है फीमेल की कॉस्ट बता रहा हूँ मैं लड़की की कॉस्ट बता रहा हूँ आपको मैं ठीक है ना। ये 12 हज़ार रुपये मिल जाता है ये 5 हज़ार ये 12 हज़ार और वो 20 हज़ार क्योंकि ऐसे क्वालिटी दोस्तों बहुत कम आते हैं बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी देखो उसके हेयर साइज और ये देखो गुच्छा एक बिल्कुल भालू का बच्चा है तो ऐसे क्वालिटी दोस्तों बहुत कम आते हैं इसके वजह से इनके रेट्स थोड़े से हाई होते हैं। अब ये देखो अब कहते हैं ना क्वालिटी के पैसे दोस्तों ये होता है अब जितना आप मीठा डालोगे उतना गुड़ मीठा हो जितना पहला होता है गुड़ मीठा होगा ठीक है दोस्तों। तो 5, 12, 20 डिफाइन किया हूँ आपको मैं क्वालिटी के बारे में समझाना और ऐसे क्वालिटी दोस्तों मेरे पास ये बहुत कम आते हैं इसमें ये नहीं बोल दूँ कि क्वालिटी के रेट हाई क्यों क्योंकि ऐसे पप्स बहुत कम अवेलेबल हो दोस्तों 100-200 पप्स के बाद ऐसे पप्स आते हैं ये पप्स वहाँ 10-12-15 में आराम से मिल जाता है हमारा पर ऐसे पप्स जो है दोस्तों ये देखो टेल साइज देखो ठीक है ना और इस रेट में कम आते हैं कई लोग दोस्तों कई बार इनका रेट कई बार किसी और से मुझे लेना तो वो लोग 40-45 हज़ार रुपये के इनके बच्चे सेल करते हैं सेम क्वालिटी लोगों को मैंने 60-60 हज़ार रुपये का सेल करते देखा है मैंने अपने चैनल में। तो अगर ये पप्स उनके पास चला गया तो 60,000 का मिलेगा आपको ये अच्छा डॉगीज वर्ल्ड के पास है तो आपको 20,000 का मिल ही जाएगा तो 60,000 का लोग उसको सेल करते हैं
क्योंकि देखने बहुत कम मिलता है, और लाइव अगर आप देख लोगे आपका दिल खुश हो जाएगा। फिर भी चलो, सो दोस्तों ये रहा डिफ्रेंशिएट, कुछ ट्राई किया हूँ आपको समझाने के बारे में, एंड आई होप आपको समझ में आया हो, और समझ में आया हो तो लाइक जरूर ठोकिएगा दोस्तों। चाहता हूँ जितने व्यूज़ हो उतना लाइक होना चाहिए, ताकि मैं आपके लिए हमेशा एक से एक डॉग लेके आता रहूँ टाइमली, ठीक है दोस्तों। एंड कीप लव एंड सपोर्टिंग अस, आप लोगों के प्यार और उसके बिना अधूरा हूँ मैं। और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, शेयर जरूर कर लीजिएगा, एंड हैव ए ग्रेट डे, एंड जय हिंद दोस्तों। Live.
What's it, dogs? Are they dogs? I'm afraid of snakes. That's a dog. Yeah. They're cute. Are they all related? Are they related? They're not related. Would you? Owen, leave it. Thank you.
Good, scramble, scramble. Good.